वेलकम बैक वेलकम बैक व्यूअर्स ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे एक uh, उमर साहब ने कॉल की थी जर्सी से कि पॉजिटिव नेगेटिव हवाले से वो जस्ट शेयरिंग आर व्यूज़ कि भाई सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं कर सकते सिर्फ नेगेटिव बात नहीं करते जो हक के उनको डिस्कस करना जरूरी है तो आई बिलीव वी हैव अनदर कॉल आई बिलीव उमर शरीफ साहब कॉल करें सर गो हैं प्लीज जी भाई उमर शरीफ बात कर रहा हूँ जी सर हम एक सवाल किया थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ कोई बात नहीं कोई इसमें आपने भी अप्रिशिएट किया डॉक्टर साहब ने भी अप्रिशिएट किया मैं थोड़ी सी बात ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा और उसके बाद एक सवाल है प्लीज देखिए एक चीज होती है डिग्री याफ्ता और एक चीज होती है तालीम याफ्ता हम लोग मैं डॉक्टर साहब या आप खुरम भाई हम लोग क्रिकेट की फील्ड में शायद डिग्री याफ्ता ना हो लेकिन हम तालीम याफ्ता जरूर है वेल सेड सर वेरी वेल सेड

And I think ye jo, the Jolo critique bhi karte na, ki that shows that they care, they understand the Bilkul. sport. But in order to, for you to have a difference of opinion, you have to have a basic understanding of the game, right? Exactly. So it's very much appreciated. So, I think we're this one big family, guys. Just remember I, that. I love the way...

पर स्कोर हो गया इसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट इसे कहते हैं क्रिकेटिंग माइंड वो अगले मैच का सोच रहे थे वो ना सिर्फ उस मैच का सोच रहे थे बल्कि अगले मैच का सोच रहे थे और वो अपने लड़कों को जो तुम बात मुसलसल इस शो में कर रहे हो उस उन लड़कों को वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि यार इवन दो कि ये नहीं कर पाया डेव स्कोर तुम कर सकते हो क्योंकि मुझे तुम पे ईमान है तुम पे एतकाद है तुम पे भरोसा है जो हमारे कप्तान और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही लड़कों को बहुत अच्छी बात सर, जो लीडर ये नहीं कर सकता ना लीडर की कहते हैं एक बड़ी अच्छा क्राइटेरिया मैं किसी किताब में पढ़ा था जॉन मैक्सवेल की जो लीडरशिप पे है लिखते हैं कि एक लीडर का जो ट्रू गेज है वो ये है कि वो और कितने लीडर प्रोड्यूस एग्जैक्टली एग्जैक्टली थिंक अबाउट दैट बिल्कुल यही exactly यही और हमारे यहाँ लीडर जब बन जाता है तो उसको यही खतरा होता है कि कहीं कोई दूसरा आगे ना आ जाए कल को मेरा ही पत्ता काट देगा जिस वक्त मियादात कप्तान थे तो उन्होंने कोई कप्तान प्रोड्यूस नहीं किया जिस वक्त इंजाम कप्तान थे तो चौथे नंबर पर कोई बैटिंग करने नहीं आ सकता था जिस वक्त जनाब आपके वो कप्तान था क्या नाम है इसका वसीम अक्रम तो जनाब तमाम लेफ्ट हैंड बॉलर्स और तमाम फास्ट बॉलर घर बैठे हुए थे जब वकार कप्तान थे, थे। तो वो भी यही सर, करते भरोसा नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं था, थेकिन 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 उनको अपनी थे था। जब मेरा लीडर ही मुझ पर यकीन नहीं करता काम एग्जैक्टली हम बात कर रहे थे क्वार्टर फाइनल्स की पहली टीम तुम्हारे हिसाब से आ रही है हिंदुस्तान ठीक है जिसपे मैं आ, मैं देख रहा हूं कि उनको टफ टाइम देगा बांग्लादेश नंबर दो जो टीम आ रही है वो आएगी श्रीलंका का जो सेमी क्वार्टर फाइनल है वो है न्यूजीलैंड के साथ बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गेम और तीसरा जो है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का है और चौथा जो है नहीं सॉरी न्यूजीलैंड का तो वेस्ट इंडीज के साथ क्वार्टर फाइनल अच्छा हाँ न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का साउथ अफ्रीका श्रीलंका है, है। सॉरी मुझसे गलती हो गई और पा... उसके बाद ये चार क्वार्टर फाइनल मैं एक चीज और भी देख रहा हूं अगर तो आइंदा पांच दिनों में चीजें कुछ तब्दील हुई हमारे कैंप के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का फाइनल हो जाए आई वुडेंट बी सरप्राइज कि अगर पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल जीता ना तो पाकिस्तान फाइनल खेलेगा इनशाला

ऑस्ट्रेलिया वाले गेम के अंदर मैं नासिर जमशेद को वापस लेके आना चाहिए <laughs> हाँ नासिर जमशेद को वापस लाएं वो बेचारा बहुत कल टेंशन में था सरफराज की है, मैंने सिर्फ मेरा मुझे चांस नहीं मिला मुझे चांस नहीं मिला ठीक से और मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया बहरहाल तो वो वो जो है ना वो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम अगर तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर ली अगर थोड़ी सी फील्डिंग पर तवज्जो दे दे तो यकीन मानो कि इस टीम को हराना मुश्किल हो जाएगा कल उमर अकमल ने बहुत सी बैटिंग की है उमर अकमल ने स्क्वेयर लेग और मिड विकेट पे सीधे बल्ले के साथ जो ड्राइव मारी है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बैट्समैन की निशानी है

उसको आ, नहीं किया जा रहा जब तक आप लड़कों को मेंटल अकेट कंट्रोल करना नहीं सिखाएंगे, तो वही कुछ होगा करके कर बंदा 100 तक कर पाए और पूरी दुनिया वो मैच देख रही है ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है जिसके साथ दोबारा मैच खेलना है तो क्या मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं ठीक है We agree with you. I think a couple of shows ago we discussed the entire structure. It needs to be run through professional, just say NBA and the NFL can Joe.

कोई भी शख्स इस दुनिया में इस मुल्क का परचम लेके चलने वाला मुल्क से बड़ा नहीं होता ठीक है यह है मैसेज मुल्क के परचम से बड़ी कोई चीज नहीं है ठीक है जी अच्छा जी तीसरी चीज जो मैं करूंगा वो मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान टीम के तीन लड़कों को बुलाऊंगा और उन तीन लड़कों से कहूंगा कि ये वर्ल्ड कप तुम जितवा के दोगे मुझे और उनको मैं वो कॉन्फिडेंस दूंगा कि ये कमेटी है जो फील्ड के अंदर खड़े होकर फैसले करेगी यूनुस के साथ यूनुस को कप्तान बना दूंगा मैं और यूनुस को दूंगा शाहिद आफरीदी मिसबा हक और सरफराज ये तीन लड़के दूंगा कि ये इन तीन लड़कों से मशवरा किए बगैर ना तो तुम बॉलिंग चेंज करोगे ना फील्डिंग चेंज करोगे मैं ये करूंगा मैं क्यों करूंगा इससे तीन चार बातें बड़ी अच्छी है। like, okay, honestly, like, this is very बात कर ले मैं, 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 मैं तो like, uh, <laughs> जाने की वजह क्या थी अभी चार दिन है ना तुम्हारे पास सईद अजमल के मौजूदगी से ऑस्ट्रेलिया के मोराल तकरीबन 20-25 फीसद डाउन हो जाएंगे उसकी दो बड़ी वजुहत है सईद अजमल पाबंदी लगने के बाद पहली दफा खेलेगा तो उसके बॉलिंग एक्शन को कोई रीड नहीं कर पाएगा अभी सईद अजमल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है टेस्ट मैचों के दौरान उनके उनके सरों के ऊपर उनकी उनके दिमागों के ऊपर सईद अजमल से गिरफ्तारी एक कंफ्यूज टोटली कम अप विद डिफरेंट स्ट्रेटेजी ओके टोटली कम अप विद डिफरेंट माइंड सेट जीतने का माइंड सेट देखो यार दैट इज इफ यू गा एक दिन के लिए एक दिन के लिए सर तो मुझे ये बता दें कि अगर के, के आपको एक दिन की लीडरशिप ना मिले तो, तो, तो फिर क्या होगा है तो उसमें थोड़ी बात कर लेते हैं तो कल की टीम के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के मैच की टीम के अंदर आप क्या चेंजेस करेंगे मैं सबसे पहले तो यूनुस को वापस लाऊंगा किसको बिठाएंगे उसको आ, मकसूद को आपको तो मिसबा को मौका चाहिए बिठाने का नहीं नहीं मैं को यार तुमने कल उसकी फील्डिंग देखी थी किसकी सोयूद की सोयब मकसूद की की की, की फील्ड के अंदर बॉडी लैंग्वेज को दे इसकी उम्र कितनी है तिरसठ साल है लगता है ऐसे ही है लगता है ऐसे ही जिस तरह से ये भागता है इसको कहां खड़ा करें हम उसके बाद फिर उसके इरफान तो के पीछे छुपा दें सर यार ये <laughs> यही करना पड़ेगा इरफान अच्छा तो को, को, दूसरा, दूसरा कर को, को, को लाना है मैंने सोहेल खान को बैठा के यासिर शाह को लाना है। या सोहेल ने कल तीन विकेट लिया चार विकेट देखा आपने दिया ठीक है लेकिन मैं यासिर शाह को ट्रंप कार्ड के तौर पे यूज करूंगा उसकी वजह बता देता हूं ना मैं फील्डिंग कर वजह बता देता हूं उसकी वजह उसकी यह होती है कि लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनली कन्वेंशनली हिस्टोरिकली बहुत खराब खेलती है ऑस्ट्रेलिया के पास हिटर्स, है। हिटर्स है। पिछले कह रहे हैं हिटर्स है नहीं नहीं सर आप मेरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं लेकिन <laughs> मैं बता रहा हूं तुमको कि उनके पास हिटर्स हैं उनको डेविड वार्नर ठीक है फिंच मैक्सवेल बेली और फॉकनर ये वो पांच लड़के हैं जिनको बॉल फुटबॉल नजर आती है लेग स्पिनर की गुगली लेग स्पिनर की गायल लेग स्पिनर की स्पिन लेग स्पिनर की 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 माइंडसेट को वो रीड नहीं कर पाता हाँ, सर वेरिएशन होती है बॉल गेट टोटल और, गेटलट की पे फिर भी हमारे स्पिनर को और अच्छी खबर यह कि उसी ग्राउंड पे मैच है हमें दो ग्राउंड दो मैच एक ग्राउंड पे खेलने का मौका मिल रहा है वालेकुम कॉलर बहुत शुक्रिया कॉल करने का पहले तो आपको बहुत मुबारक हो पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया प्लीज अपना नाम बताइए आप कहा से कॉल कर रहे हैं

डॉक्टर ऑफ कैंसर इज अ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट सही <laughs> साहब बहुत शुक्रिया आपको आपकी पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी आप बिल्कुल जाइए. काशिफ साहब ने जो सेटिंग की हुई है इतराजा no, so करते हैं ये हमारी टीम हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं सही साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का थैंक यू सो मच आई एग्री विद एवरी थिंग एक्सेप्ट द पॉट विच सेट कि जो एराज़ा करें फूल हैं सर एतराज़ कभी फजूल नहीं होते आई

सारी किबरियाई सारी हिकमत मेरे अल्लाह के लिए उसी ने हमें जबान दिए उसी ने हमें अकल दिए उसी ने हमें दी दिए कि हम यहां बैठे लेकिन इनकी वो बात के लोग फजूल बात करके वो वो नहीं

किसकी गजल है वो मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्त में हो जाएगा वो भाई हुआ सिंह की अच्छा हाँ तो वो बहरहाल तो वो कतिल शिफाई की है सिलसिला रहा तो वो कहते हैं अब पिछले एक महीने से जितनी क्रिकेट के अंदर उनकी जान इंटरेस्ट हो कल ढाई बजे रात तक मैच देख के सुबह साढ़े पांच बजे लगा के स्कोर देख के सुकून से सो गई देखो यार ये तो जीत गया बहरहाल तो वो वाली बात के आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर शहूर बेदार हो रहा है लोगों के अंदर मोहब्बत बढ़ रही है मुझे आज तक की संडे की सुबह याद है संडे का दिन था छिया का का वर्ल्ड कप के के क्वार्टर फाइनल बेंगलोर था 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 मैं मैं रेजिडेंसी कर रहा था, शिकागो में था, मैं, पूरी रात बैठ मैच देखा था, पाकिस्तान हारा और अगली सुबह बजे हम वहां पर अपनी ड्यूटी करने गए थे छत्तीस घंटे की ड्यूटी थी हर, नर्स से, र, हर, थी, हर, थी हर नर्स से हर मरीज से हाँ। हर चपरासी से लड़ लिए थे वापस आ रहा तो मेरे बेगम बच्चे पूछ लेते हैं कि भाई सिर्फ इतना बता दो मैं जीते हारे <laughs> अगर अगर जीते तो हम लोग अलग तरीके से होंगे हारे तो हम मॉल चले जाते हैं थोड़े दो तो प्लीज गो अपना नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल रहे हैं जी सर सलामकुम वालेकुमल बस हम तो असल में रात uh, को क्रिकेट देखते हैं और एवरी uh, संडे आपका प्रोग्राम एंजॉय करते हैं काशिफ साहब इज इंसाइक्लोपीडिया इन क्रिकेट हाँ सर आई डू नॉट हैव एनी कमेंट अबाउट क्रिकेट बिकॉज व्हाट ही इज सेइंग इज रियली ही हैज डन अ लॉट ऑफ होमवर्क लेकिन मुझे लगता है काशिफ साहब कहना वो इतना ज्यादा दिल जलाते हैं पाकिस्तान में आपको पता है कि हर शबे का हाल यही है इट डजन मेक एनी डिफरेंस और अब पाकिस्तान में लोग इतने लीट हो चुके हैं कि आप जो मर्जी कह न, बार बार तो तो रहे हैं आप तो हर डिपार्टमेंट में इतना खुद से बोल रहा है लेकिन वहाँ पे अब लोग हर चीज में तो क्रिकेट की हाल है जो मर्जी बोल रहे हैं वो जो बोले वही करेंगे जो वो चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपके कॉल करने का शो को करने का हमारे साथ अपना संडे का इंपॉर्टेंट टाइम गुजारने का बॉटम लाइन है सर वही बात है कि कहना अपने तो क्यों दिल जला मैं हमारा काम है उनको बताना उनका नहीं काम नहीं। है ना मानना बेसिकली पूरे पाकिस्तान की बताना हमारा फर्ज है ना नहीं, मानना नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी काम है नहीं देखो ना यार हमारा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी मिसाल दी थी कि हमारी जो जो सिचुएशन है वो उस उस परिंदे उस अबाबिल की जैसी है कि जो नमरूद की आग में चोंच में पानी ले लेके आके टपका और उससे किसी ने पूछा कि यह आग तो नहीं बुझेगी इससे जिस तरह से इन्होंने कि यार वहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हाँ ठीक है बिगड़ा हुआ लेकिन हम अपना काम करते चले जाएँ और हम सीख रहे हैं हम ना तो इंसाइक्लोपीडिया हैं ना हम अथॉरिटी हैं ना हम सही हैं ना हम गलत हैं हम सीख रहे हैं और सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी लगा दो तो पूरा नहीं सीख सकते यही मसला है यही मसला है हमारे अरबाब इख्तियार का उनका यह ख्याल है कि हमें सब आता है जिस दिन आपकी आपके जहन में ये बात बैठ गई कि मुझे सब आता है वो जवाल शुरू उस दिन से जवाल शुरू यही मसला है मिसबाउल हक का यही मसला है वकार और यही मसला रहा है पूरी टीम इंतजामिया का मैं ये, मैं हैरत करता हूं यार कि हुआ या कोई भी हुआ वो सारे एक तरफ बैठे हुए ये दो शहजादे हमारे एक तरफ बैठे हुए आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपने नाम सुना होगा एक सोशल कॉमेंटेटर है निसार क्या नाम है उनका हसन निसार साहब उनका जियो पे एक छोटा सा क्लिप लगा हुआ है उनसे किसी एंकर ने पूछा कि प्लीज़ आप अपनी राय दें कि जो आ, हमारे कोच ने वकार ने जो नाराजगी का इजहार किया और उस सवाल के ऊपर उठ के चले गए हाँ हाँ. तो इनर हीसर इज अ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल आई मीन स्मार्ट गाय बहुत बड़े देखे समझदार आदमी उसने कहा कि देखिए मुझे क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है बड़े फिर वो पाकिस्तानी नहीं <laughs> है हाँ हां ठीक है गया आई मीन नोबडी इज परफेक्ट इन राइट 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 तो वो कह रहे हैं मुझे क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं मुझे कितना इंटरेस्ट है मगर ये जो हरकत जो इन्होंने की है

चार दिन का रह गया बस जुम्मे तक का टाइम है अगर पाकिस्तान हार गया खुदा ना खास्ता जुम्मे को जुमेरात को तो वकार वकारीस वहीं से सिडनी चले जुमरात को अगर हम हार गए फिर पाकिस्तान वापस आ एंड ऑफ स्टोरी क्वार्टर फाइनल है ऑफ कोर्स सबको पता है ना भाई ऑफ कोर्स पाकिस्तान उनमें से चंद लोग आएंगे बाकी चंद लोग इधर उधर होंगे वकार यूनुस वहां से फ्लाइट लेंगे एडिलेड से सिडनी की वहां से चार घंटे घर जाएंगे अच्छा ससुराल तो उनकी नहीं ससुराल तो थोड़ा दूर है वहां से वो वहां जाएंगे उसके बाद फिर फिजिशियन है और एमरजेंसी मेडिसिन की और उसके बाद फिर वो जाकर के वही अपनी जॉब तलाश करेंगे टेनिस स्पोर्ट्स के अंदर मिसबा हक आएंगे फैसलाबाद लेकिन मिसबा हक बीच में रुक जाएंगे या तो दुबई रुकेंगे या लंदन रुकेंगे शाहिद आफरीदी धड़ल्ले से वापस आएंगे यूनुस खान

और उनकी आज मैंने जुराबे देख के मैं उनका और फैन बन गया वाह। वेल सर सर डॉक्टर साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं बड़ा नॉलेज आपके पास बस एक बात किया कीजिए कि मिसबा को बुरा मत कहा करें ठीक है मेरा ख्याल है कि मिसबा इज एन एंकर और बेचारे ने हजारों दफा पाकिस्तान को स्लो खेल के या जो भी करके पाकिस्तान को बचाया तो मेरा ये ओपिनियन है बहुत, 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 बहुत शुक्रिया और खुरम इस पे हम पहले बात पहली बात तो ये आप अपना एड्रेस भिजवा दीजिए मैं आ रहा हूँ सुबह तो नहीं यूज नहीं हुई होंगी ब्रांड बेगम साहब राइट यूर राइट तो उन्होंने कहा बेगम साहबा ने मेरी कहा जाते हुए कि तुम जाओ मैं फोन करके कहूंगी कि मेरे मोजे नहीं मिल रहे क्या तुम पहन के गए

पहली बात तो तो ये, करता है पर पहली पर... बात तो ये अच्छी तरह से हमारे तमाम नाजरीन समझ लें कि काशिफ अंसारी इज ने से सिंगल वर्ड अगेंस्ट एनी बडी इंडिविजुअली पर्सनली मेरा कोई क्रिकेट दोस्ती, दोस्ती दुश्मनी पसंद नापसंद जाति नहीं है तो दैट इज एस्टैब्लिश्ड दैट इज वन थिंग दैट इज वन थिंग दैट इज ग्राउंड मैं मिसबा की बात नहीं करता मैं उस सोच के खिलाफ हूं मैं उस माइंडसेट के खिलाफ हूं मैं उस कार्यकर्तगी के खिलाफ हूं मैं उस मैसेज के खिलाफ हूं जो मिसबा टीम के बकिया दस खिलाड़ियों को देता है मैं उस हठधर्मी के खिलाफ हूं कि जो मिसबा लेके ग्राउंड में उतरता पूरी दुनिया पूरी दुनिया के अगेंस्ट चलता मैं उस 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 तरीके कार के खिलाफ हूं जो मिसबा ने मैचों को जितवाने का अपनाया या मैच को सेफ करने का अपनाया मैं मिस्बा के किरदार से या उसके रोल से क्रिकेट में जरा बराबर भी इख्तलाफ नहीं करता लेकिन मैं ये समझता हूं एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग प्लीज मेक नो मिस्टेक के मिसबा की वजह से आज तक हमने कोई कप्तान नहीं बनाया सेकंड मिसबा की वजह से आज तक कोई लड़का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं बना मिसबा की वजह से आज तक हम अग्रेसिव क्रिकेट ना खेल पाए जो अग्रेसिव क्रिकेट ब्रेंडन मेकलम खेल रहा देखो यार इन, मजा तो तब आ रहा जब वर्ल्ड कप फेस्टिवल लगा हुआ है क्रिकेट का आपके सामने हर टीम मौजूद है आप संगाकारा को देखो मेरे भाई मेरे दोस्त मोजे पसंद करने का शुक्रिया लेकिन मैं चाहता हूं मेरे भाई कि अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ की बैटिंग देखो जो को देखो छत्तीस बरस 37 बरस उम्र है और वो खेलता ऐसे है कि शायद उसकी जिंदगी का आखिरी गेम हो ये हर बॉल को वो उसकी मेरिट पे खेलता है स्ट्राइक रेट देखो आट, सेंचरिया, चार सेंचुरियां बना चुका है चार सेंचुरियां बना चुका है उसके बाद चलो आगे संगकारा के बाद ब्रेंडन में को देखो कि वो एक डेढ़ सौ रन चेस कर रहा देखिए हम सिर्फ कप्तानों के नाम ले रहे हैं सर कप्तानों के और अच्छे बड़े खिलाड़ियों के ब्रेंडन मिकेलम, महेंद्र सिंह धोनी जेसन होल्डर ये वो लड़के हैं मेरे भाई कि जो अपनी टीम के लिए टेम्पो सेट करते हैं right. अपनी टीम को बताते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीतने आए

मसला के साथ वो ये है कि right. right. लीडर right. अ अग... और, और right. और, और अच्छा. पहुंच गया तो अ... अगर क्या पहुंच, जा, पहुंच इंशार्ला, जाएगा इन पहुंच जाएगा तो मुश्किल होगी बहुत शुक्रिया आपके इतनी सारी कॉलेज करने का अपने फीडबैक देने का और इंशाल्लाह पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया को अगले थर्सडे को हरा देगा Inshallah. उसके बाद इन शुल सी यू एंड पाकिस्तान विंस वो वी लेट हिम गो टू ऑस्ट्रेलिया इन मेक श्योर की हीज हेर नेक्स्ट संडे अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह वो टॉक यू नेक्स्ट वीक थैंक यूज